कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे रेलवे की एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जिनके वापस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, यदि आप पहले तो आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा था? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है आंध्र प्रदेश, जो है 1953। 1953 में भारत का पहला जो भाषाई राज्य बना था वह आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा हीरा है वह कौन सा है? तो इसका आंसर है कलिनन। जो कलिनन नाम का एक जो हीरा है, दुनिया में सबसे बड़ा हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए हैं? तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों जो पुरस्कार हैं वह प्राप्त किए हैं? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है मोरारी जी देसाई। जो मोरारी जी देसाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हें भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों ही पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस के जनक एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला सिक्का कौन सा था? तो इसका आंसर है लिडियन सिक्का। जो लिडियन सिक्का था, विश्व का पहला सिक्का था और सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो हम बता देंगे आपको कि जो सबसे हल्की जो धातु है वह है लिथियम। और जो अगर पूछा जाए कि द्रव्य धातु कौन सी है, तो वह है पारा, जिसे मरकरी या जिसका सिंबल है Hg। और यदि पूछा जाए कि द्रव्य अधातु कौन सा है, तो वह है ब्रोमीन। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान है? तो जो दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान है वह कहाँ है और कौन सा है? तो इसका आंसर है कारकोस डेजर्ट, जो कि कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट, चेयरमैन राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? जो राज्यसभा के चेयरमैन या के अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो नीति आयोग होते हैं भारत में, उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष कहा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जो दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वह है इंदिरा गांधी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी पाटिल, और महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जबकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा जो है गन्ना उत्पादक राज्य है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो यंत्र होता है ब्लड प्रेशर मापने का या रक्त दाब मापने का, तो दोस्तों उसका आंसर है रक्त दाब मापी। जो रक्त का दाब मापता है उसे ही रक्त दाब मापी या ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है सीमोर क्रे जो नामक वैज्ञानिक है, या आप
इसके आविष्कारक बोल सकते हैं सीमर मोर को। तो दोस्तों ये हैं सीमर क्रे, इन्होंने सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी के लिए विस्तारक क्या है? तो एलईडी जो है उसके लिए जो प्रकाश का विस्तारक कौन करता है, तो इसका आंसर है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है वो एलईडी के रूप में विस्तारक है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। दोस्तों जो दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो है भारत का। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। दोस्तों जो सबसे लंबा लिखित संविधान और सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वह भारतीय संविधान ही है। और लास्ट क्वेश्चन, मेटल बल्बों के तंतु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है टंगस्टन। जो बल्ब में जो तंतु होते हैं उनमें जो धातु होती है वह टंगस्टन धातु होती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।